सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ लेकर दिन विशेष जो है 8 जुलाई के। तो सबसे पहले श्री नारायण का आपको सस्नेह नमस्कार बहन भाइयों। अब आपके सामने दिन विशेष जो है 8 जुलाई के, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएँ, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, तो सब कुछ एक ही पैकेज में ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा बहनों भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये रहा आज का सुविचार, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ बहनों भाइयों, फिर एक बार आज का सुविचार, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो जी हाँ बहनों भाइयों, ज़रूर आएंगे अच्छे दिन, लेकिन उससे पहले हमें संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए बहनों भाइयों, अब आज का सवाल, आज का सवाल यह है कि भारत देश की राष्ट्रीय डिश कौन सी है। जी हाँ, कई तरह की डिशेस हैं, तो उसमें भारत की राष्ट्रीय डिश कौन सी है। तो चलिए भाइयों, आज राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस है, तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो शुरू करते हैं आज के दिन विशेष, जिसमें ये रहे सबसे पहले 8 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1497 में वास्को द गामा यूरोप से भारत के पहली सफर के लिए रवाना हुए। 1856 चार्ल्स बर्न इनको मशीन गन का अमेरिका का पेटेंट मिला। 1889 द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1910 में स्वतंत्र वीर सावरकर ने मोरिया इस जहाज से फ्रांस के मार्शल्स के समुद्र में छलांग लगाई। 1930 में किंग जॉर्ज पांचवे इनके हाथों लंदन में इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। 1958 में बर्लिन के जागतिक चित्रपट महोत्सव में भारतीय फिल्म दो आंखें 12 हाथ इस फिल्म को सर्वोत्तम फिल्म का सम्मान मिला। 1997 में बीजिंग के एशियाई महिला वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 46 केजी इस वजन के गट में भारत के एन कुंजीरानी देवी इनको रौप्य पदक हासिल हुआ। सन 2006 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशंस इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषित हुआ। 1948 में अमेरिका के वायुसेना दल में महिलाओं की भर्ती की गई। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा तालाब जो है, इस तालाब पर भाकरा नांगल जल विद्युत प्रकल्प शुरू किया। 2011 में भारतीय रुपए नए बदले हुए चिन्हों के साथ चलन में आए। बारह में सिसिलियाई वेस्पर का युद्ध यानी माल्टा की लड़ाई हुई। 1833 में रूस और तुर्की इन्होंने सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 1992 में थॉमस
क्लेस्टिल ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति बने। 1994 में शिमाकी मुकाई जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 2001 में बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल इन्होंने 17 वर्ष के साल के उम्र की आयु में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए शतक लगाया और वो बांग्लादेश के सबसे कम उम्र के शतकवीर यानी शतक लगाने वाले बल्लेबाज रहे। 2002 में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत क्रिकेटरों के लिए कोटा प्रणाली समाप्त हुई। 2014 में फुटबॉल की विश्व कप में जर्मनी के मेरोस्लाव क्लोस इन्होंने सर्वाधिक 16 गोलों का विश्व रिकॉर्ड किया। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब देखते हैं आज के जन्मदिन। कोका कोला के निर्माता जॉन पेम्बरटन 1831। रॉकफेल्ड घराना के पहले उद्योगपति स्टैंडर्ड ऑयल समूह और अमेरिका के पहले तेल उद्योग के संस्थापक जॉन डेविसन रॉकफेलर 1839। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु 1914। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक गोनी दांडेकर यानी G.N. दांडेकर 1916। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता अहिल्या रांगणेकर 1922। आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री Y.S. राजशेखर रेड्डी 1949। क्रिकेट खिलाड़ी और कैप्टन सौरभ गांगुली 1972। मराठों का इतिहास लिखने वाले ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ग्रैंड डफ 1789। अभिनेत्री नीतू सिंह 1958। अभिनेत्री मीरा चोपड़ा 1983। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद 1939। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह 1903। अभिनेत्री ऋचा सोहनी 1985। अभिनेत्री जुई गडकरी 1988। उर्दू कवि इकबाल अजीम 1913। अंग्रेजी राजनीतिज्ञ जोसेफ चेंबरलेन 1836। हिंदी उपन्यासकार कथाकार नाटककार आलोचक इनका नाम था गिरिराज किशोर 1937। अमरीकी अभिनेता केल्विन बिकन 1958 और पॉलिटिशियन गिरिजा व्यास 1946। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 8 जुलाई के डच गणितज्ञ खगोल और पदार्थ वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइगेंस 1695। ब्रिटिश अभिनेत्री विवियन लेह 1967। गोमंतकीय कवि पद्मश्री से सम्मानित बालकृष्ण भगवंत बोरकर यानी बाभव बोरकर 1984। उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम सुंग द्वितीय 1994। मराठा इतिहास के अभ्यासक विठ्ठल त्र्यंबक गुणे 1994। तबला वादक उस्ताद बाबा साहेब मिरजकर 2001। संत साहित्य के अभ्यासक हर्षश्री तथा H.S. शेनोलीकर 2003। लेखक तत्वज्ञानी और इन विषयों के प्राध्यापक राजा राव 2006। देश के 8वें प्रधानमंत्री
चंद्रशेखर 2007। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित आधुनिक महामानव डॉक्टर नारायण विष्णु तथा नाना साहेब धर्माधिकारी 2008। लेखक सुंदरी उत्तम चंदानी 2013। इटली का राजा पेप्पियन, इटली का राजा पेप्पिन 1810। तो ये हुए भाई अब दिन विशेष, बस है ना। तो इसी के साथ ही आज का ये दिन विशेष खत्म होता है। लेकिन जो राष्ट्रीय डिश देखनी है भाई, तो सवाल आज का जिसका जवाब सवाल था, भारत की राष्ट्रीय डिश कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय डिश है खिचड़ी। जी हाँ बहन भाइयों, खिचड़ी भारत की राष्ट्रीय डिश है, क्योंकि सभी वर्ग के और सभी राज्यों के लोग खिचड़ी पसंद करते हैं। तो चलिए बहन भाइयों, कैसी रही आज की वीडियो और आज की जानकारी, तो इसी के साथ ही आज की इस दिन विशेष की वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ अब लेता हूँ विदा, और कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार भाइयों, सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा, अलविदा।